सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जीएल खटाना आपके अपने गुरु गिरधर सर चैनल पर स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, क्योंकि अब वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा नजदीक आ रही है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मेरे पास में मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि सर हम डिप्रेशन में, अब क्या करें, 4 या 5 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं। तो ध्यान पूर्वक सुनना, जो जो मैं बातें आपको बताऊंगा उनको अच्छी तरीके से आपको समझना है और ध्यान में रखना है। किसी भी एग्जाम की तिथि या कोई भी दिन एक बार फिक्स हो जाता है तो क्यों ना वो 2-5 वर्ष का ही हो, वो दिन एक दिन आ ही जाता है। एक बार फिक्स हो जाए, राजस्थानी भाषा में बोले अपन कि एक बार कोई ठीक हो जाए तो वो आता उन्हें कोई देर ना लागे। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की परीक्षा 27-28 दिसंबर को है, जैसा कि आपको विदित है, अलग अलग पारियों में है। इस परीक्षा के अंदर एक बात आप ध्यान रखना, जो महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं टेलीग्राम चैनल पर बता भी दिया, अपना टेलीग्राम चैनल है गुरु गिरधर सर के नाम से, जो आप सर्च करें टेलीग्राम यदि आप चलाते हैं तो, और वहां पर गुरु गिरधर सर सर्च करेंगे, मेरी फोटो दिखेगी और आप उसको क्लिक कर लें और उसके बाद में ज्वाइन लिखाएगा तो उसको ज्वाइन कर लें। बहुत सारे विद्यार्थी भी मेरे नाम से टेलीग्राम चैनल बनाने लगे हैं, मुझे खुशी है, बनाना चाहिए, अच्छा नाम चल रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो की परीक्षा में जब विज्ञापन जारी किया गया था उस समय नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है इसका कोई प्रमाण नहीं था। विद्यार्थी कंफ्यूज थे कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो अभी यानी कि परसों 21 दिसंबर को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी किया, उसमें स्पष्ट किया कि वीडियो की परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जो प्रश्न आते हैं उनको तो करना ही है, उसके अलावा जो नहीं आते उनको भी आपको करना है, क्योंकि जिस एग्जाम में ऋणात्मक अंकन नहीं होता है उसमें, जैसे मान लो अपन 100 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ, उसमें 80 क्वेश्चन आपने किए, उसमें डाउट वाले भी आ गए और आपने जो आते हैं वो 20 रह गए, 20 बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, चलो यार छोड़ते हैं, उनको भी आप ऋणात्मक अंकन नहीं है तो आप कर देते हैं तो 2-5 तुक्के लग ही जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में वीडियो का मेन एग्जाम होगा, उसमें ऋणात्मक अंकन होगा, पूरे चांस है, और उसका पाठ्यक्रम भी कुछ थोड़ा सा चेंज रहेगा। वीडियो की इस परीक्षा में जनरल साइंस का पोर्शन नहीं है प्री में, जबकि मेन में शामिल किया जाएगा, वो बाद में प्रेस नोट आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले अपन स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे वीडियो परीक्षा के लिए। आपकी परीक्षा जिस तिथि को है उस तिथि के पहले दिन आप अपना उस स्थान को सुनिश्चित कर लें, क्योंकि सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है नहीं कि आप जहां चाहे वहीं पर रात गुजार सके। यदि अपनी रात गुजारनी पड़े बहुत कड़ी मशक्कत और मुश्किल के साथ तो अपना पेपर श्योर बिगड़ने के चांस बन जाते हैं। तो आप सबसे पहले जहां आपका सेंटर आया है, एडमिट कार्ड डाल ही दिए गए हैं, उस जगह को सुनिश्चित करें, कोई ना कोई जान पहचान निकाले, मिली जाती है तो वहां पर आप पहले दिन पहुंच जाएं। और राजस्थान रोडवेज में यदि आप सफर करेंगे तो आपको आधार कार्ड की कॉपी और एडमिट कार्ड की एक फोटोकॉपी निकलवा लेना, एक नहीं 2-3 निकलवा लेना, कि आना जाना 2-3 चाहिएंगे, 2-3 आधार कार्ड की निकलवा लेना, तो आप कंडक्टर को दिखा देंगे, आपका 0 बैलेंस के अंदर यानी कि 0 रुपए का टिकट बना दिया जाएगा, चाहे आप ऑल राजस्थान में कहीं भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। एक बात ये याद रखना, जैसे आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपका सेंटर आया है जयपुर और आप जैसे मान लीजिए टोंक जिले से हैं, अब आप टोंक जिले से अलवर जा रहे हैं, अलवर आपका कोई रिलेटिव है एग्जाम के बहाने, तो आप टोंक से अलवर वाली बस में बैठेंगे तो आप उसको दिखाएंगे सेंटर वगैरह, तो वो आपका निःशुल्क 0 वाला टिकट नहीं बनाएगा, क्योंकि आपका सेंटर जयपुर है तो आप अलवर क्यों जा रहे हैं, घूमने का पर्पज बना रखा है इसका मतलब आपने, तो फिर आपको बहस करनी पड़ेगी कंडक्टर से, ऐसा ना करें, जो आपका शॉर्ट रास्ता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए टोंक से आपको जयपुर आना है, टोंक से निवाई आ गए, निवाई से फिर बस बदल लिए, तो ऐसे आप जा सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपका सेंटर जयपुर है, आप 3-4 डिस्ट्रिक्ट में घूमो और फिर मैं जयपुर पहुंचूंगा,
नहीं, ऐसे आपको छूट या रियायत नहीं दी जाएगी। आप अनावश्यक किसी कंडक्टर से बहस ना करें। अगली बात, पहले दिन आप उस स्थान को सुनिश्चित कर लेंगे, रात अच्छी तरीके से गुजारेंगे। जैसी भी तैयारी है उसी के अनुसार आपको पेपर देना है। जितनी तैयारी आप कर चुके हैं अच्छी बात है, अब बाकी हड़बड़ाहट नहीं करनी, क्योंकि हड़बड़ाहट में शरीर में हड़बड़ और उत्तर में गड़बड़। में विद्यार्थियों को बोलता रहता हूँ क्लास में भी, जितनी तैयारी है उसी तैयारी के अकॉर्डिंग आपको पेपर देना है। पहले दिन रात अच्छे से गुजारनी है, बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ। दूसरे दिन आप स्नान करो या ना करो, किसी परिचित के रुकोगे तो वहां नहा धो लोगे तो अच्छी बात है, इम्प्रेस हो जाओगे, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और यदि फिर भी नई भी व्यवस्था बैठी आपकी, कहीं किसी रैन बेसेरा वगैरह में रात अच्छे से गुजारी तो सुबह नहाए या नहीं उस वो कोई इश्यू नहीं है। आप अपने एग्जाम सेंटर पर नियत समय से आधा घंटे या पौन घंटे पहले पहुंच जाएं। वहां पर बैठे रहें, वेट करें, जो ही बेल बजेगी आपको पेपर दे दिया जाएगा। पेपर आने के बाद सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन हैं, क्या नहीं है। हाँ, इंस्ट्रक्शन में ऋणात्मक अंकन की जो बात है वो मैंने आपको बताई दिया। इसके बाद में पेपर में तीन राउंड में आपको पेपर सोल्व करना चाहिए हमेशा। 3R पेपर सोल्व का ये नियम है, 3R तीन राउंड में। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, समय सीमा को ध्यान में रखना। ये पेपर 2 घंटे का ही है, 2 घंटे में आपको पेपर सोल्व करना है। पटवार का पेपर 3 घंटे का था, वो अलग बात थी। 2 घंटे में आपको पेपर सोल्व करना है, 2 घंटे में आप कितना उसको सोल्व कर पाते हैं वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा। एक आप बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो तैयारी बहुत अच्छी करते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में बिल्कुल डिप्रेशन और हड़बड़ाहट में उनका पेपर बिगड़ जाता है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो तैयारी ठीक ठाक करते हैं लेकिन एग्जाम में पेशेंस और धैर्य के साथ बैठे रहते हैं और आराम से मस्ती के साथ पेपर करते हैं, जो होगा अच्छा होगा इस भावना को ध्यान में रखें और अच्छा ही हो जाता है और सिलेक्शन भी हो जाता है। समय सीमा को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, आप परीक्षा में पेपर सोल्व करेंगे उस टाइम में आपको क्या करना है, जैसे पहले क्वेश्चन से आपने स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन आपको नहीं आया छोड़ दो, उसके उस पर समय व्यर्थ मत गवाओ कि मैं इसको करके ही रहूंगा। क्वेश्चन कई देखते ही आ जाते हैं, कईयों में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, कईयों में ऐसा होता है कि इसको मैं कर सकता हूँ यार, ये मुझे आता है लेकिन टाइम लगेगा। कई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं आते। सबसे पहले राउंड में आपको वो प्रश्न करने हैं जो आपको आते हैं सिंपली रूप में, जैसे पहला क्वेश्चन नहीं आया छोड़ दो, दूसरा आता है कर दिए, तीसरा आता है कर दिए, चौथा नहीं आया कर दिए, 28वां आया कर दिए, बीच में नहीं आ रहे कोई बात नहीं, सबको करके चलो। जितने क्वेश्चन आपने कर दिए, OMR के 3 तरीके होते हैं, वो आपको अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जितने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं एक बार सही सही उनको आप चाहो तो OMR में फिल कर दो, क्योंकि कई बच्चे पूरा पेपर सोल्व करने के बाद में OMR उठाते हैं और साइड में बेल बज जाती है और वे रह जाते हैं, रोनते हैं, चीखते हैं, लेकिन वहां एग्जामिनर उनको OMR दोबारा से देते नहीं है और नियम के अनुसार देना भी नहीं चाहिए। पहले पेपर में सरल सरल क्वेश्चन करेंगे, दूसरे राउंड में आपको जो क्वेश्चन आते हैं लेकिन उनमें समय लगेगा उनको करना है, तीसरे राउंड में आपको आते ही बिल्कुल भी नहीं लेकिन उनसे कड़ी मशक्कत करो, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक बार लगभग लगभग काफी सारे जो क्वेश्चन बिल्कुल ही आपको नहीं आते हैं उनको तो आप भर दो, बाकी जो क्वेश्चन अपने को ऐसा लगता है कि यार मैं इसको ठीक कर सकता हूँ उसमें आप समय लगाओ और नियत समय में उसका सोल्यूशन निकाल के OMR में भर दो। बहुत बार विद्यार्थी रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हम वो बैचों में बताते हैं कि सर मेरा, जैसे मान लो कोई भी एग्जाम्पल के रूप में 100 क्वेश्चन का पेपर था और 100 क्वेश्चन में विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे 80 क्वेश्चन तक उन्होंने अटेम्प्ट किया, फिर उसके बाद में 20 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया ही नहीं और वहां समय पूरा हो गया। अब वो विद्यार्थी घर पे आके उन पेपर को देखता है तो वो बात की क्वेश्चन उसको वास्तव में आते थे लेकिन उसने अपना समय पहले वाले उलझन के क्वेश्चनों में ही लगा दिया, फिर घर पे वो प्रश्न आने से मतलब ही क्या रहा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, नियत समय से रात अच्छे से गुजारना।